का सबका आशीर्वाद इनके ऊपर है, आपका भी आशीर्वाद इनको जरूरी है। तो इससे बड़ा नवरात्रि निश्चित तौर पर इनके माध्यम से वो आपके लिए करेंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करके मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। सरोवर से दुनिया वालों भी नजरना होते ना लो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। इतनी बड़ी नवरात्रि क्या कहना चाहेंगे सर? आपको क्या यहाँ पे लोगों के लिए हेल्प, लोगों के लिए क्या सुविधा यहाँ पे? सुनील भाई पटेल है, वो पहले से नहीं बहुत दिनों से पास से वो सबकी हेल्प करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा नवरात्रि आयोजन किया है और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हर टाइम करें, हर साल हम लोग सपोर्ट करेंगे। और उन्होंने जो सोचा है ना, उसके लिए हम लोग पीछे से भी फैमिली रेडी है। आप क्या बोलना चाहती है? बहुत मजा है यहाँ पे। आप कुछ बोलना चाहती है? बहुत अच्छा लगा। आप मतलब यहाँ पे हर साल आप आने वाले? हर दिन कल भी आएंगे, कल भी आप लोग आएंगे? बहुत मजा आया यहाँ पर, बहुत एंजॉय किया है। और अंधेरी मतलब पहले कोरेगांव में जाना पड़ता था, अभी अंधेरी तक आ गया। हम चाहते हैं कि घाटकोपर और कुर्ला के नज़दीक भी आ जाए, तो हमें यहाँ तक भी ना आना पड़े। और पूरे भारत में इस तरह का नवरात्रि त्यौहार मनाया जाए और ऐसा ही पब्लिक एंजॉय करे जाए। आप कहाँ से आए सर जी? हम लोग कुर्ला से आए। आपको यहाँ का कैसे पता चला कि अंधेरी इसलिए इतना बड़ा गरबा? हम गुजराती है, कहीं पर भी कोने भी कोने में ढूंढ लेंगे। और काका तो पहचान में है, तो उसी की वजह से हमको पास भी मिल चुके हैं। कोई अच्छे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमको पास अरेंज करके भी दिए है। और ऐसे ही भगवान करे सारे दिन का मैरिज हो जाए और हम इंजॉय करने के लिए। हम लोग फिजिकली है वटनागर से, हमारा नरेंद्र मोदी के गांव से, मोदी के गांव से। अरे पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा। हम चाहते हैं कि मोदी ही 2024 में आने वाले हैं, 2019 की 2029 की तैयारी चालू करो। क्या कहना चाहते सर? यहाँ पे अंधेरी में बहुत बड़ा और बहुत अच्छा नवरात्रि होता है। ये सब मोदी का मेहरबानी है, जो लोगों को इतना प्रोत्साहन करते हैं, सपोर्ट इतना करते हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं देते और इतना रिस्पॉन्स सब हर एक चीज़ का होता है। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग अंधेरी से आइए, नगर से। कैसा लगा आपको यहाँ के गरबे का माहौल देख के? यहाँ पब्लिक इतनी भीड़ है, तो आपको कैसा यहाँ पे अरेंज कैसा था लोगों को? एकदम परफेक्ट अरेंज है, कोई जात का कोई कमी नहीं है, कोई यहाँ पे धक्का मुक्की नहीं, बिल्कुल नहीं। और पास कैसे आपको, पास कैसे यहाँ पे मिला आपको? पास में ये लोग हर एक बिल्डिंग में पहुँचाते हैं, घर घर पास पहुँचाते हैं और एकदम अच्छी तरह से पास देते हैं। किसी का कोई धक्का मुक्की नहीं है, नहीं किसी का कोई आर्ग्यूमेंट है, नहीं किसी का कोई झगड़ा है। व्यवस्था बहुत ही अच्छी। बच्चे बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम आए हैं एक्चुअली भाईकला से, यहाँ बॉम्बे में। यहाँ पर हम लोग ने जैसे मुर्जी काका का ऐसा गरबा लगा है, हमें तो पता ही है मुर्जी काका कैसे, किस तरह से और किस तरह से उन्होंने जो अरेंजमेंट की है, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ के रहवासियों को, यहाँ के नागरिकों को बहुत ही अच्छा है। देखते जाइए अब डेली के डेली जितनी गर्दी यहाँ पर है, किसी और जगह तो मैंने तो अभी तक का देखी। सर जी आप बोल रहे माहिम से आए, मगर आपको पास का कैसे अरेंज हुआ? पास कहाँ से मिला आपको? माहिम से तो निकाला। अच्छा, ये पास बिग मार शो पे पास जी जी जी। और आपको कैसा आपको लगा यहाँ पे आने के बाद? कितना अच्छा, बहुत अच्छा। और यहाँ पे गर्दी कितनी थी आपको? बहुत गर्दी में आपको जगह नहीं थी खेलने के लिए, जगह ऐसा है बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुर्जी का नेक्स्ट ईयर इससे ज्यादा करेंगे, आई होप कि बहुत ही बहुत इससे और बढ़िया करोगे। जय श्री राम। जय श्री राम। पूछूं कि
લોકો મુંબઈ આવ્યા અને હું ખુશ છું, એકદમ જલસા કરી રહ્યા છે અમે મુંબઈ માં ગીતા બેન રબાડી માટે. બોલો જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ, બોલો અંબે માત કી જય. नवरात्रि के लिए चैनल का आपको कहाँ से पता लगा? चल गया आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, काफी अच्छा लगा आके. और अंधेरी में पहली बार हो रहा है इतना अच्छा ग्रैंड इवेंट, तो हम बहुत खुश हैं. अच्छा, ये गरबा कौन करा रहा है यहाँ पे? पटेल जी जो है, मूर्जी पटेल जी. अच्छा, आपको पास कहाँ से मिला ये अंदर आने के लिए? एंट्री होने खरीदा पास खरीद के आप आए? पास मतलब किस जगह पे? ऑनलाइन कहाँ, किस जगह पे बिक रहा है ये पास? शॉप पे. आप कहाँ से आए हो सर? यहीं से, गोरेगांव. मतलब यहाँ पे क्राउड बहुत है, आपको क्राउड बहुत लग रहा है? आपको कैसा गरबा खेलने में कोई दिक्कत हो रही है लोगों से? यहाँ नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही. सारे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं लोग, तो बहुत अच्छा लगा. पहली बार हुआ है गीता बेन रबारी का शो, काफ़ी बढ़िया लगा. आगे होप करते हैं और भी अगले साल में आते रहे और हम ऐसे ही धमाल मचाते रहे. सर, आपको टिकट की व्यवस्था कहाँ से हुई जो ये यहाँ पे हमारे दोस्त के थ्रू? ओके, बेस्ट सीनियर कपल चंपक नंदू एंड जोगेश नंदू. सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया. Do we have you know, Champak Nandu and Javed Nandu? Crowd था आपके वैसे ही, आप जिस क्वेश्चन पे आए, कपड़ा जो पहन के आए, कितना अलग लग रहा है? तो आप गुजरात से रहने वाले हैं? गुजराती है, ट्रेडिशनल है ये हमारा, गुजराती फोक डांस है, तो फिर ये कॉस्ट्यूम हम लोग पहनते हैं नवरात्रि में, इसलिए फिर काफ़ी बढ़िया है ये. 9 दिन हम नेक्स्ट ऑफ बेस्ट ड्रेस्ड मेल.